हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अक्षय और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं शुद्ध देसी घी की रेसिपी। तो मैंने ऑनलाइन बहुत रेसिपीज देखी है जो बहुत लंबी और टीडियस है, बहुत मेहनत लगती है, बट ये मेरे मॉम की सबसे आसान रेसिपी है। इस रेसिपी से आपको एकदम शुद्ध देसी घी आप घर पे ही बना सकते हो और बहुत इफेक्टिव रेसिपी है। तो चलिए बनाना सीखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ली है मलाई भैंस के दूध की। 15 दिन से जमा की हुई, एक एक लीटर एवरीडे आता था, उसमें से भैंस के दूध की मलाई जमा की है थिक हमने। फिर हमें लेना है यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर, इसको अच्छे से धो लेना है और इसमें हम धीरे धीरे करके ये मलाई डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको ब्लेंड करेंगे पानी से, और फिर जो ऊपर जमा हुआ फैट आएगा वो हम प्रोसेस करेंगे, तो वो आगे मैं बताऊंगा आपको। और फिर हम लेंगे ये छन्नी और स्टील का बर्तन, इसको अच्छे से धो के लिया है मैंने, और जो भी मलाई आएगी उसको स्ट्रेन करने के लिए हम ये सिस्टम अपनाएंगे। और उसके बाद एक पुरानी एल्यूमिनियम की कढ़ाई लेनी है। द रीज़न पुरानी ली है इज बिकॉज कभी कभी मलाई पकाते वक्त और घी बनाते वक्त ये कढ़ाई जल जाती है, तो कोई अच्छी नई कढ़ाई होगी तो खराब हो सकती है, इसके लिए हमने पुरानी कढ़ाई ली है एल्यूमिनियम की, अच्छे से धो के और घिस के ली है। तो चलिए बनाना सीखते हैं। तो अभी हमें मलाई को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है मिक्सर में, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद चेक करते रहेंगे कि मलाई का स्मूथ पेस्ट बन गया है कि नहीं और उसके बाद घी ऊपर आता है कि नहीं। इसमें पानी डालेंगे थोड़ा और ब्लेंड कर लेंगे। फर्स्ट राउंड के बाद मलाई का अच्छे से पेस्ट रेडी हो गया है, इसमें थोड़ा और पानी डाल के हम ब्लेंड करेंगे। तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक इसका पानी और फैट सेपरेट ना हो जाए, और इसको अच्छे से छन्नी से छान लेंगे हम, और सेम चीज़ बची हुई मलाई के साथ रिपीट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में ब्लेंड करना है हमें। तो गाइज, हमारी मलाई अच्छे से छन चुकी है और इसका जो पानी निकला है इसको आप आटा गूंदने में, चावल पकाते वक्त या फिर सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत क्रीमी और थोड़ा फैटी होता है और इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, इसको फेंकना नहीं है। तो इस फैट की कंसिस्टेंसी बहुत सॉफ्ट होती है, इसमें हम मराठी में लोनी बोलते हैं और आई थिंक हिंदी में इसको माखन या फिर मक्खन बोलते हैं। तो अब इस फैट को हम हमारी कढ़ाई में निकाल के ले लेंगे। इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से धो लेना है हमें, और ये मिक्स नहीं होता है, फैट ऊपर आ जाता है, बट इसको धोने का कारण ये होता है कि इसमें एक अजीब सी स्मेल होती है, क्योंकि हम मलाई को इतने दिन तक स्टोर करते हैं तो उसकी स्मेल निकालने के लिए इसको अच्छे से धो देते हैं हम, और फिर इसको धोने के बाद हम छन्नी से छान लेंगे फिर से। और याद रहिए, इसका भी पानी आपको स्टोर करके यूज़ करना है, इसको फेंकना नहीं है। तो भी गैस को हम धीमे से मध्यम आंच पर जलाएंगे और उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा के इस फैट को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और इसको पकाते रहेंगे। इसको बिल्कुल भी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको टच नहीं करना है, बस उसको ऐसे ही 20-25-30 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। पाँच मिनट बाद फैट मेल्ट होके बॉईल होना शुरू हो जाता है। दस पंद्रह मिनट बाद ये ऐसा दिखना शुरू हो जाता है।
बस चम्मच से ये जो झाग आया है ऊपर उसको बस साइड में चिपका देंगे, हम साइड में ऐसे सरका के चिपका देंगे। बीस पच्चीस मिनट बाद ये ऐसा दिखना शुरू हो जाता है और फाइनली 30 मिनट बाद ये ऐसा गोल्डन ब्राउन दिखना शुरू हो जाता है। हम फूंक मार के इसको थोड़ा सा झाग हटाएंगे और नीचे देखेंगे कैसा दिखता है ये, तो देख सकते हैं इसके आगे आपको बिल्कुल भी पकाना नहीं है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा, जल जाएगा। ये गोल्डन ब्राउन कलर आते तक ही पकाना है इसको। एक चुटकी भर नमक ऐड करना है इसमें। अब हम गैस बंद करके इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक दो घंटे ठंडा करने के बाद ये ऐसा दिखता है। अब हम लेंगे कांच या स्टील का बर्तन, उसको अच्छे से धो के सुखाना है और फिर हमें ये घी को छानना है। देखिए कैसे छनने के बाद इसका गोल्डन कलर दिख रहा है, तो हमारा शुद्ध देसी घी रेडी है। इसको आप ढक्कन लगा के एयर टाइट फ्रिज में 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए घर पे और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे बनी है। और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।